मैक्सवेल मैक्सवेल इक्वेशंस आर, पहली मैक्सवेल इक्वेशन क्या है हमारी, डाइवर्जेंस ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लेते हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कंडक्टिंग मीडियम के लिए, तो हमारी कितनी हो जाएगी, रो अपॉन एप्सिलॉन। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, डाइवर्जेंस बी इक्वल टू जीरो। थर्ड क्या हो जाएगी हमारी, कर्ल ई इक्वल टू माइनस कर्ली बी ओवर कर्ली टी। फोर्थ क्या हो जाएगी हमारी, कर्ल बी इक्वल टू म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन कर्ली ई ओवर कर्ली टी। तो दीज आर द मैक्सवेल फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। ठीक है भाई, अब हम इन इक्वेशन को किस में ड्राइव करना चाह रहे हैं, कंडक्टिंग मीडियम में। और अगर हम किसी कंडक्टर की बात करें तो इन कंडक्टर देयर में भी चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी, कहीं ना कहीं इस कंडक्टर में क्या हो करती है, चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी एग्जिस्ट करती है। देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, अगर ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ कितनी होती है हमारी, पहले यहां पर लिख देंगे, इन देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हमें वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ जे इक्वल टू कितनी होती है हमारी, सिग्मा ई। वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ कितनी होती है, जे इक्वल टू सिग्मा ई। तो जे की वैल्यू सिर्फ किस में है, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन में। देन मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन बिकम, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन कितनी हो जाएगी हमारी, कर्ल बी इक्वल टू म्यू, जे की वैल्यू कितनी रखनी है ओम्स लॉ से, अगर वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ क्या होती है, जे इक्वल टू सिग्मा ई, तो सिग्मा ई से, तो सिग्मा ई प्लस म्यू एप्सिलॉन कर्ली ई ओवर कर्ली टी, इक्वेशन नंबर 5। तो कंडक्टर में कहीं ना कहीं हमारा जो चार्ज है, चार्ज डेंसिटी है, वो रिड्यूस होती जा रही है, धीरे धीरे क्या होती है, रिड्यूस होती है, और रिड्यूस होकर एट ए टाइम एक उस पर्टिकुलर की वैल्यू टाइम कितनी हो जाती है चार्ज डेंसिटी की, जीरो हो जाती है। अगर हम इसका डेरिवेशन करना चाहते हैं, ड्राइविंग करना चाहते हैं मैक्सवेल इक्वेशन को इन कंडक्टिंग मीडियम में थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्रू कंडक्टर, वी विल वेट, हम इंतजार करेंगे कब तक कि जो आपका चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज धीरे धीरे क्या होगा, डिसअपियर होता है इन कंडक्टर, रिड्यूस होता चला जाता है, और वो कब, जब वो जीरो हो जाए, यानी कि उसमें जब इनसाइड द कंडक्टर कोई चार्ज एग्जिस्ट ना करे, यानी कि चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाए, जी स्वेल कितनी होगी, डाइवर्जेंस ई इक्वल टू जीरो, रो की वैल्यू कितनी रख दी, जीरो, सेकंड सेम रहेगी, डाइवर्जेंस बी इक्वल टू जीरो,